इक्वेशन ऑफ द लाइन डिस्प्लेड एट द राइट। ये लाइन दी गई है हमें, ये लाइन है और हमने इसकी इक्वेशन बतानी है। आप देखेंगे इसके इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं, एक ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे। दूसरा ये कि ये जो बॉक्सेस शो किए गए हैं इसमें ग्राफ का यूनिट क्या है, ये हर पॉइंट 0.5 को शो करता है, 0.5 फिर 1, ये 1.5, ये 2 और ये 2.5। इसी तरीके से ये पूरी डिवीजन जो हैं 0.5 की डिवीजन्स हैं। इस लिहाज से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप देखेंगे यहाँ पर y 0 है तो ये y 0 और x कितना है, ये है 3, तो ये पॉइंट है 3 0। इस तरह से इसको देखें तो यहाँ पर x 0 है, x 0 और y जो है वो -1 है। इस तरह से हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए। अब यहाँ से हम इसकी स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 इसमें है, y2 हम इसको ले लेते हैं या इसको ले लें 0, और y1 जो है -1 यानी कि -1 ओवर x2 -0। अब ये हो गया 1/3 यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है वो है 1/3। तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx + c, m इज़ द स्लोप एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर अभी तक हमारी इक्वेशन बन चुकी है 1/3x। अब c की वैल्यू क्या है, अब देखेंगे y इंटरसेप्ट ये पॉइंट है, क्योंकि जब ये y को टच करता है तो x 0 होता है, ये हमारे पास पहले ही मौजूद है जो कि शो करता है कि ये पॉइंट 0 - 1 है यानी कि c इसमें -1 है। तो ये c की वैल्यू है -1, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 1/3x - 1 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।